लोग थे हमको तुम्हें तीन थे अभी आधा घंटा गेस्ट करते हो तभी हमको पता चलेगा पापा मर गया है दारू पिया हुआ है। मुंह महक रहा है क्या उनका? हल्का महक रहा है। किस टाइप का दारू है? किस टाइप का दारू? इंग्लिश है या देसी है? देसी। हम अभी आधा घंटा अभी आइए जमा सब पहले। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का शराबबंदी पर रिव्यू मीटिंग चल रहा था तो दूसरी तरफ एक बार फिर से शराब से एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आ रही है। यह चौंकाने वाली खबर बेगूसराय जिले के बखरी थाना इलाके से आई है। बखरी के परिहारा ओपी अंतर्गत बहुआरा पंचायत के साखो गाँव निवासी सुरेश राम की मौत मंगलवार की देर शाम हो गई। बेटे जितेंद्र राम ने मीडिया से बताया कि देसी शराब पीने से उसके पिता की मौत हुई है। बेटे ने मीडिया के सामने इस बात को कबूल किया है कि मृतक के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। की पता चला था? हमारा ही रहा। पहले की पता चला? अभी तो कह रहे थे वो लोग मतलब जो होने गया उधर सब दारू पिया हुआ है। हम तो देख रहे हैं उसमें दारू पिया हुआ है। मुंह महक रहा है क्या उनका? हल्का महक रहा है। किस टाइप का दारू है? किस टाइप का दारू? इंग्लिश है या देसी है? जैसे ही शराब से मौत की खबर इलाके में फैली प्रशासनिक महकमे में खलबली मच गई। साफ है कि सीएम नीतीश शराबबंदी को लेकर सख्त हैं, वहीं दूसरी तरफ शराब से मौत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में शायद पुलिस को यह डर भी सता रहा होगा कि अगर जहरीली शराब से मौत की खबर सामने आई तो बड़ा बखेड़ा खड़ा हो सकता है। रिव्यू मीटिंग के बाद भी एसपी से लेकर थानेदारों तक की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। हालांकि बखरी के बहुआरा में हुई मौत को लेकर बड़ा सवाल उठ रहा है क्योंकि कोई भी प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। आलम यह है कि स्थानीय जनप्रतिनिधि परिजनों को मीडिया को किसी तरह का बयान देने से रोक रहे हैं। तीन थे अभी आधा घंटा गेस्ट करते हो तभी हमको पता चल गया पापा मर गया है। दारू पी के मर गया है। साफ है कि मामले को दबाने की कोशिश की जा रही है। बड़ी बात यह भी है कि यदि प्रशासन इतना ही पाक साफ है तो मृतक की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया जा रहा है? पोस्टमार्टम से पुलिस विभाग अपने दामन को साफ कर सकता है लेकिन कहा जा रहा है कि लाश को जलाने के लिए परिजनों पर लगातार दबाव बनाए जा रहे हैं। अब देखना यह है कि मौत में शराब को दोषी माना जाता है या फिर मृतक की बदकिस्मती को दोषी मानकर अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। रिपब्लिकन न्यूज के लिए कोमल आर्य की रिपोर्ट। रिपब्लिकन न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।